गुड मॉर्निंग 10th क्लास. टुडे वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर. अवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफिकेशन ऑफ इटली. कैसे इटली यूनिफाइड हुआ. तो बेटे यहाँ पर अगर हम बात करें, आपके दो ही कंसेप्चुअल पॉइंट बनते हैं कि बेसिकली इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ. एक क्वेश्चन तो ये बनता है और सेकेंड क्वेश्चन बनता है बेटे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थी जिन्होंने इटली के यूनिफिकेशन के अंदर पूरी तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन किया. तो बेटे दो ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कि इटली के बेसिकली यूनिफिकेशन में किस तरह से किन किन लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया और हाउ द इटली यूनिफाइड. तो बेटे बेसिकली जब हमने पिछला टॉपिक किया था तो वहाँ आपने इस टॉपिक को रीड किया था कि जर्मनी के अंदर कैसे यूनिफिकेशन हुआ. अब हम पढ़ रहे हैं कि इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ. जैसे बेटे जर्मनी की भी एक बहुत लंबा इतिहास रहा है कि किस तरह से यूनिफाइड हुआ. इसी तरह से बेटा अब आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड विद द इटली यूनिफिकेशन. ओके, लेट्स स्टार्ट. लाइक जर्मनी, इटली हैड टू लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन. इटालियंस वर स्कैटर्ड ओवर ऑल डायनेस्टिक स्टेट्स एज वेल एज मल्टीनेशनल हाब्सबर्ग एम्पायर. देखो बेटे जर्मनी की तरह जो इटली था ना वो भी पूरी तरह से क्या था, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन का मतलब है राजनीतिक रूप से बिखरा हुआ था. और अगर हम बात करें यहाँ पर तो इटली के जो बहुत सारे डायनेस्टिक स्टेट्स का मतलब है जो वंशानुगत राज्य थे, और बहुत सारे जो मल्टीनेशनल का मतलब है बहुराष्ट्रीय हाब्सबर्ग एम्पायर थे, उसके अंदर बेटा इटली पूरी तरह से फ्रेगमेंटेड था, बिखरा हुआ था. एंड ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स. अगर हम बात करें तो इटली पहले 7 स्टेट्स के अंदर डिवाइड था, ऑफ विच ओनली वन सर्दीनिया पिडमॉन्ट वॉज रूल्ड बाय द इटालियन प्रिंसली हाउस. अब उसमें से 7 स्टेट्स के अंदर इटली डिवाइड था, तो उसमें से अगर हम लोग बात करें बेटा तो यहाँ पर केवल एक ही ऐसा सर्डिनिया पिडमेंट जो था वो बेसिकली क्या था, इटालियन राज घराने से संबंधित था, जहाँ पर इटालियन क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे, ठीक है. द नॉर्थ वाज अंडर, नॉर्थ का जो एरिया था वो ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग के अंडर था, और सेंट्रल पार्ट को कौन रूल कर रहा था, पोप रूल कर रहे थे, और साउदर्न रीजन के अंदर जो डोमिनेशन था वो बार्बन किंग का था जो वहाँ के थे, स्पेन के थे. तो इसका मतलब क्या है कि इटली 7 स्टेट्स के अंदर डिवाइड था और पूरी तरह से पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेड था, बिखरा हुआ था. जैसे इसमें बताया कि जो सर्दिनिया पिडमॉन्ट का हिस्सा है वो केवल क्या था, इटालियन रूल के अंडर था, ठीक है. और यहाँ पर दूसरा मैंने क्या बताया इसके अंदर कि जो नॉर्थ का एरिया है बेटे वो भी क्या था, ऑस्ट्रियन हाब्सबर्ग के अंडर था, सेंटर का जो एरिया था वो पोप साम्राज्य के अंदर था, और जो साउथर्न रीजन है बेटे वो बार्बन किंग्स के अंडर था. इट मीन्स कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि सभी पूरी तरह से इटली क्या था, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेड था. तो बेटे इटालियन जो लैंग्वेज थी ना उसको कोई भी मतलब इम्पोर्टेंट वे नहीं मिला था, यानी कि इटालियन लैंग्वेज को किसी भी तरह से इम्पोर्टेंट नहीं समझा गया था. एंड इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म एंड स्टिल हैड मैनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस. तो बेटे जब इटालियन लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस नहीं मिली थी तो वहाँ पर बेटे बहुत सारी स्थानीय भाषाएं और स्थानीय बोली बोली जाती थी ड्यूरिंग द 1830s. अब देखो बेटे मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन की बात की तो यहाँ पर फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है बेटे 1830s के अंदर आपका गुसिपी मैचिन. गुसिपी मैचिनी ने क्या किया उसके बारे में पढ़ेंगे बेटे. कई बार शॉर्ट नोट आ जाता है कि इटली के यूनिफिकेशन में किस किस ने रोल इंपॉर्टेंट प्ले किया, तो इसमें मैंने यहाँ पर लिखे हैं गुसिपी मैचिनी, किंग विक्टर एंड चीफ मिनिस्टर काबू, एंड लास्ट वन गुसिपी. इन सब ने बेटा हालांकि ये पूरी तरह से सफल नहीं हुए लेकिन एक अच्छे क्रांतिकारी रहे हैं जिन्होंने इटली की यूनिफिकेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है. कम टू द टॉपिक, ड्यूरिंग द 1830s गुसिपी मैचिनी हैड सोट टू पुट टुगेदर प्रोग्राम फॉर अ यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक. ही हैड आल्सो फॉर्म अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली फॉर द डिसमिनेशन ऑफ इज गोल. तो देखो बेटे 1830s के अंदर इटली को एकीकृत करने के लिए, यूनिफाई करने के लिए उसने एक सीक्रेट क्या किया था, एक सीक्रेट अगर हम बात करें यंग इटली नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी की इस्टेब्लिशमेंट की, जिसके थ्रू वो क्या करना चाहता था, उसके जो ऑब्जेक्टिव थे कि वो इटली को कैसे यूनिफाई करेगा उन सबको, डिसमिनेशन का मतलब होता है बेटे प्रचार करना चाहता था कि उस यंग इटली के द्वारा जो कि उसने इन्फॉर्मेशन की थी कि वो इटली को कैसे यूनिफाई करेगा, अपना जो उसका उद्देश्य है वो लोगों तक पहुँचाना चाहता था. एंड
द फेलियर ऑफ रेवोल्यूशनरी अपस्विंग बोथ इन 1831 एंड 1848 मीन्स दैट द मेंटल नाउ फेल डाउन द सिडोनिया पिनमोंट अंडर द रूलर किंग विक्टर एमुलर सेकेंड टू यूनिफाई द इंडियन स्टेट्स थ्रू द वार। अब देखो बेटे 1831 के अंदर 1848 के अंदर रेवोल्यूशनरी युद्ध हुए, ठीक है ना, क्रांतिकारी युद्ध हुए, और क्रांतिकारी युद्ध में ये क्या रहा बेटे, असफल रहा। तो यहाँ पर बेटे इटली को यूनिफाई करने की जो जिम्मेवारी थी अब किस पर आ गई, किंग विक्टर एनर पर, ठीक है ना बेटे। तो यहाँ पर जो किंग विक्टर है अब उस पर जिम्मेवारी आ गई, क्यों, क्योंकि बेटा 1831 में उन्होंने शुरू किया था, 1831 और 1848 में जो रेवोल्यूशनरी वॉर हुए उनमें वो क्या रहा, असफल रहा। तो अब इटली को यूनिफाई करने की जिम्मेवारी किंग फैमिली पर आ गई, ठीक है। आगे देखिए इसमें, एंड थ्रू द वार इन द आईज ऑफ रूलिंग आइलैंड्स ऑफ दिस रीजन ए यूनिफाइड इटली ऑफर्ड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। तो बेटे इसके लिए क्या था कि अगर हम बात करें तो जो विक्टर इम्यूनुअल द्वितीय था, ठीक है ना, इम्यूनुअल सेकंड था, उस पर इसकी जिम्मेवारी आ गई। तो इसके लिए जरूरी क्या था कि अगर वो इटली को यूनिफाई करेगा तभी वो इटली की क्या कर सकता है, डेवलपमेंट कर सकता है और पॉलिटिकल डोमिनेंस की संभावनाएं पैदा कर सकता है, यानी कि पॉलिटिकल क्या कर सकता है, वो वहां पर अपना डोमिनेंस बना सकता है, अपना राज्य कर सकता है और साथ ही साथ इटली की यूनिफिकेशन कर सकता है, डेवलपमेंट कर सकता है। तो डेवलपमेंट करने के लिए तो यूनिफिकेशन करना क्या था, जोड़ना था। अगर आप क्या चाहते हो, एक देश की डेवलपमेंट करना चाहते हो, तो उसके लिए जरूरी क्या है कि वो देश एक यानी कि यूनिफाइड हो, एकीकृत हो। अब इटली तो बिखरा हुआ है, साउथ में कोई है, नॉर्थ में कोई है, वेस्ट में कोई है, ईस्ट में कोई है, तो इसके लिए यूनिफिकेशन करना जरूरी था। यूनिफिकेशन के अंदर दूसरी भी मैच इन्होंने प्ले किया रहा, लेकिन 1831 में और 1848 में वो क्या रहे, सफल रहे। अब जिम्मेवारी किस पर आ गई, किंग विक्टर एमुलर द्वितीय पर आ गई। अब वो क्या चाहते हैं कि इटली की डेवलपमेंट हो और उसकी जो पॉलिटिकल डोमिनेंस है, राजनीतिक संभावनाएं हैं, वो बनी रहे। तो इसके लिए बेटा जरूरी क्या है डेवलपमेंट करने के लिए, कि वो इटली को क्या करें, यूनिफाई करें, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए बेटे, इसके अंदर बेटे अगर हम बात करें चीफ मिनिस्टर कानून, मैंने इसके बारे में बोला था आपको, तो चीफ मिनिस्टर कानून है बेटे, इन्होंने भी इटली की यूनिफिकेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, चीफ मिनिस्टर कानून हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजंस ऑफ इटली वॉज नाइदर ए रेवोल्यूशनरी और ए डेमोक्रेट। इसका मतलब क्या है, जो चीफ मिनिस्टर थे बेटे कावून, वो ना तो बेटे हर तरह से बेटे उन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया जो इटली को यूनिफाई करने के लिए किया गया था, लेकिन बेटे ना तो वो डेमोक्रेटिक थे, ठीक है ना, डेमोक्रेट का मतलब है राजतंत्र, बेसिकली लोकतंत्र से जुड़े हुए थे, और ना ही वो रेवोल्यूशनरी थे, ना ही वो क्रांतिकारी थे। लाइक मैनी अदर वेल्थी एंड एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ इटालियन एलाइट ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन ही डिड इटालियन। इसका मतलब यहाँ पर क्या है बेटे, कि अगर हम इसकी बात करते हैं तो ना तो वो क्रांतिकारी थे और ना ही वो जनतंत्र में विश्वास रखने वाले थे, वो बेटे इटालियन में रहने वाले जितने भी रिच पीपल थे, शिक्षित लोग थे, उनकी तरह बेटे इटालियन भाषा से फ्रेंच भाषा बहुत बेटर बोलते थे, क्योंकि फ्रेंच लोगों के साथ क्या थे, कनेक्टेड थे, तो उनकी फ्रेंच लैंग्वेज क्या थी, इटली भाषा की कंपैरेटिवली काफ़ी बेटर थी। नेक्स्ट बेटे, एंड थ्रू ए ट्रेसफुल डिप्लोमैटिक एलियंस विद द फ्रांस इंजीनियर बाय कावून सिडोनिया पिनमोंट सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859। अब देखो बेटे इन्हीं के प्रयत्नों के द्वारा क्या हुआ था, जो सिडोनिया पिनमोंट के अंदर अगर एक चतुर अगर हम बात करें, ये एक डिप्लोमैटिक बंदे थे, डिप्लोमैटिक का मतलब क्या होता है बेटे, कूटनीतिज्ञ बंदे थे, ठीक है ना, द्विअर्थी बातें रखने वाले थे। तो इन्हीं के प्रयत्नों से क्या हुआ था, जो ऑस्ट्रियन फोर्सेस थी बेटा उनको वो हराने में क्या रहे, सफल रहे 1859 में। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स एक लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलेंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ गुसिपी गैरिबेल्डी ज्वाइंट द फ्रे। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, कि अब तो आपने इसके बारे में पढ़ा कि इटली से बढ़िया क्या बोल सकते थे, फ्रेंच लैंग्वेज बोल सकते थे, ठीक है ना, कावून के अंदर बेटे फ्रांस के जो सिडोनिया पिनमोंट के अंदर उन्होंने जो एक डिप्लोमेटिक संधि की, कूटनीति की संधि की, जिसके पीछे किसने की थी ये कूटनीतिक संधि, वो की थी बेटे यहाँ पर चीफ मिनिस्टर कावून ने की थी बेटे, जिसके कारण 1859 में ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया गया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा फोर्थ पर्सन की, दैट इज
गुसिपी गेरी वेंडी। अब इनका रोल क्या था, अब इनकी बात शुरू होती है बच्चों यहाँ पर। अब जो गुसिपी गेरी वेंडी थे बेटे, उन्होंने क्या रोल प्ले किया उसके बारे में रीड करेंगे। देखो बेटा, यहाँ पर गुसिपी गेरी वेंडी ज्वाइन द फ्रे एंड इन 1860 दे मार्च इन टू साउथ इटली एंड किंगडम ऑफ द टू सीरीज एंड सिलसिया एंड सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ लोकल पीजेंट्स इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर्स। अब देखो बेटे, नियमित सैनिकों के अलावा बेटे यहाँ पर जो गुसिपी गेरिबाल्डी थे उन्होंने भी क्या किया, बहुत सारे युद्धों में जो भी युद्ध हुए उनमें हिस्सा लिया। और 1816 के अंदर बेटे वो उन्होंने क्या किया, दक्षिण इटली और दो सिसिलिया राज्यों में वो एंटर कर गए। और इससे बेटा उन्होंने जो वहाँ के लोकल किसान थे वहाँ का समर्थन लिया, और लोकल किसानों का समर्थन 1860s में लेने के बाद उन्होंने वहाँ पर क्या किया, स्पेनिश शासकों को हटा दिया। देखो बेटे, वहाँ से कॉन्ट्रीब्यूशन किसने किया, कावूर ने किया। कावूर के कॉन्ट्रीब्यूशन से क्या हुआ था बेटे, कि जो स्पेनिश फोर्सेस थी उनको हरा दिया गया था। कब हराया गया था, 1859 में। और बेटा जो दूसरी बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर गुसिपी गेरिबाल्डी के, गुसिपी गेरिबाल्डी के बारे में बात कर रहे हैं, तो बेटे यहाँ पर जो हमारे गुसिपी गेरिबाल्डी थे उनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल था 1860s के अंदर। बेटे उन्होंने युद्धों में हिस्सा लिया और 1860 में उन्होंने वहाँ के स्थानीय जो लोकल किसान थे बेटा उनका समर्थन लिया, जहाँ से स्पेनिश जो क्या कर रहे थे वहाँ पर राज्य कर रहे थे उनको उन्होंने वहाँ से हटा दिया। ठीक है, अब 1860s के अंदर वहाँ से स्पेनिश का राज्य क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, एंड 1861 विक्टर बेसिकली 1860s में उनको हरा दिया गया था, तो 1861 के अंदर इमिनल सेकंड को क्या कर दिया गया था, यानी कि इमिनल सेकंड आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, इनको 1861 में वहाँ पर राजा घोषित कर दिया गया था। लेकिन बेटे सबसे बड़ी बात क्या थी कि इटली में रहने वाले जो लोग थे बेटा वो पूरी तरह से अशिक्षित थे, पढ़े लिखे नहीं थे, वहाँ पर इलिटरेट रेट क्या थी, काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है, अब यहाँ पर 1861 में इमिनियल द्वितीय को एक यूनिफाइड इटली का राजा घोषित कर दिया गया था। ओके, हाउएवर मच ऑफ द इटालियन पॉपुलेशन अमंग होम रेट्स ऑफ इलिटरेसी वॉज वेरी हाई रिमेन ब्लिसफुल अनअवेयर द लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। अब देखो बेटे, पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनको कोई जानकारी भी नहीं है। ठीक है, इटली में जो रहने वाले अधिकतर लोग थे बेटा वो क्या थे, निरक्षर थे, अनपढ़ थे, और वो बेटा जो उदारवादी भावनाएं थी, राष्ट्रवादी भावनाएं थी, उनसे पूरी तरह से अनअवेयर थे, उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब दक्षिण के अंदर बेटा इटली में जिन किसानों ने बेटा गेरिबाल्डी को समर्थन दिया था उन्होंने कभी इटालिया के बारे में नहीं सुना था, वो क्या सोचते थे कि इटालिया कौन है, ला इटालिया कौन है, ही शी इज द वाइफ ऑफ किंग विक्टर इमिनल। इट मीन्स क्या है, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे, ना उनको राष्ट्रवादी विचारधाराओं के बारे में पता था, ना उन्होंने बेटा इससे पहले कभी भी क्या किया था, इटालिया के बारे में सुना था, तो वो क्या सोचते थे, जो ला इटालिया है वो क्या है, विक्टर इमिनल की पत्नी थी। तो बेटे इसी से बेटा दो ही क्वेश्चन बनते हैं, हाउ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली वॉज पॉसिबल, एट सेकेंड हु हैज गिवन द कॉन्ट्रीब्यूशन इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। आई थिंक आपको टॉपिक अच्छे ढंग से समझ में आएगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।